उसके बाद से जब मैंने पोस्ट पहला डाला तो करीब 3-4 लाइक आया। उसके बाद से फिर मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं, करते रहते हैं। तो जब भी टाइम मिलता था जॉब से तो मैं एक एक पोस्ट डाल देता था, तो 3-3 से कभी 10, फिर एक पोस्ट डाला तो उस पर 40। तो जैसे मित्रों, लिखने की कला बड़ी ही बेजोड़ होती है, और कभी कभी कुछ लोग लिखने की कला को इतने ऊपर तक ले जाते हैं, और उनका मुख्य रूप से पेशा कुछ और होता है, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा रहता है कि कुछ अच्छा लिखना है, कुछ बेहतर दिखाना है, और अपने समाज में एक परिवर्तन लाना है, जो कि आसपास के लोग हैं वो उनके लफ्ज़ों से, उनके बातों से समझे कि अपने ज़िला, अपने राज्य में कितनी सारी अच्छी घटनाएं हो रही है। इसी क्रम में आज अभी हम गोपालगंज में हैं, और एक सपनों का बिहार आज हम एक बड़े ही साइलेंट सुपरस्टार रहने वाले एक व्यक्ति से मिलेंगे। और कहीं ना कहीं 2016 में ये सफ़र शुरू हुआ, और जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो रहते हैं भारत से बाहर पिछले 5-6 साल से, लेकिन कुछ ना कुछ अपने आसपास की अच्छाई को दिखाने का शुरू से ही जुनून रहा, और वो इनको बहुत ऊपर तक ले गया। और कहीं ना कहीं आज अगर हम फेसबुक पर बात करें तो लगभग 7,000 से ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं, और पेज का नाम है सिवान की खुशबू। ये वही खुशबू है जो आए दिन बहुत अच्छी सुगंधित, जो एक हम लोग को आभूति देते रहती है। और उससे होता क्या है कि अपने आसपास क्या कुछ ऐसा है जो कि कुछ मीडिया नहीं दिखा पाई है, कुछ हो सकता है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाई हो, कारण ये भी हो सकता है कि कुछ आर्थिक मजबूरियाँ हो गई हो, या फिर जो अच्छा किए हैं जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी व्यक्ति, वो नहीं आना चाहते हो कैमरा के सामने, कुछ बोलना वो नहीं चाहते हो, बट उनके बारे में लिख के बहुत विस्तृत जानकारी पिछले 6 साल से हमको फेसबुक के माध्यम से दिया जा रहा है, और पेज का नाम सिवान की खुशबू है। तो चलिए शुरू करते हैं, और खुशबू यहाँ भी हम उसकी आभूति लेते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करेंगे राजू कुमार सोनी जी का अपने चैनल पर। नमस्कार, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आपको बता दूँ कि सिवान की खुशबू जो है वो हमारे सिवान ज़िला में काफ़ी मतलब लोकप्रिय है, और आज हम सुशांत जी से मिले हैं, और देखिए आज क्या बात होता है। ये जो फ्लाइंग सुशांत चैनल है, ये मुख्य रूप से राजू जी हम तराश रहे हैं वैसे लोग को जो कि नॉन पॉलिटिकल हैं बट बहुत कुछ योगदान करें अपने समाज में। तो हम चाहेंगे कि ये जो आपकी लिखने की कला है, ये मतलब एक होता है ना कि कोई काम हम करने जाते हैं तो सबसे पहले माइंड के लेवल पर प्रिपेयर होते हैं, तब शरीर वहाँ तक हमारा बॉडी काम करता है। तो माइंड के लेवल पर ये सिवान की अच्छाई को लिखना आपने कब शुरू किया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये जो इसका मतलब सिवान की खुशबू का जो प्लानिंग था वो तो 2016 में ही आया था मेरे दिमाग में। इसलिए आया था कि मैं देखा, कई जगह देखा कि कुछ ऐसे प्रतिभा है जो हिडन है, उनको कोई नहीं जानता है, और हमारे सिवान ज़िले में जितने भी यूट्यूब चैनल जो भी है वगैरह वगैरह, न्यूज़ वाले हैं सब, ये लोग मतलब उनसे काफ़ी दूर है, वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं। तो कुछ ऐसा मैंने एक्टिविटी देखा कि यार सिवान में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है, तो क्यों ना हम इन्हें एक फेसबुक पेज के माध्यम से, प्रोफाइल के माध्यम से लेकर सामने आए और लोगों को बताएं कि भाई देखो हमारे सिवान में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है। तो फिर मैंने शुरू किया, और शुरुआत कुछ खास नहीं रहा मेरे लिए, लेकिन अब कुछ बेहद ही खास बन गया है। ये मतलब आपको बताते चलें कि जो राजू जी हमारे साथ आज मौजूद हैं एज ए गेस्ट, ये कुवैत में हुंडई कंपनी में सुपरवाइज़र हैं, और मतलब पूरा एक मैकेनिकल से, तो पूरा जो एक इनका जो एक लिखने वाला जो आपको फेसबुक पे दिखता है और वो जो काम है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और उस काम को करते हुए साथ ही साथ विदेश में रहते हुए आज अपने 4-5 लोग की टीम बना चुके हैं जो कि इनको नियमित रूप से यहाँ के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि क्या अपने आसपास कुछ अच्छा घटा है, और उसको दिखाना ज़रूरी है। आए दिन हम, नाम तो सिवान की खुशबू है लेकिन पूरे बिहार भर की वहाँ पे खबरें हम देखते रहते हैं, गोपालगंज की,
छपरा की, पटना की, मतलब जो भी कुछ अच्छा होता है कभी भी उस पर कोई नेगेटिव खबर हमने नहीं देखा। जो भी चीज़ है, क्योंकि आज मीडिया है तो दोनों पहलू दिखाती है, दिखाना भी चाहिए, लेकिन कुछ खबरें नहीं भी दिखा के काम चल जाता है, लेकिन मीडिया उसको भी दिखाती है। ठीक है, उनका है, वो कर रहे हैं, सही बात है, करते रहें। लेकिन ये जो चैनल है ना, आप देखेंगे फॉलोअर जो 7,000 से ज़्यादा हो गए हैं सिवान की खुशबू से, तो हम जानना चाहेंगे कि अभी के समय में हमारे पास कितने की टीम हो गई है। देखिए, अभी क्या है कि इस पर कुछ ज़्यादा मात्रा में टीम नहीं है हमारा, इसमें जो भी लोग हैं सब इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और इसमें हम लोग 3 लोग हैं और मैं 2 आदमी का नाम लेना चाहता हूँ। एक तो ऋषु दुबे हैं और दूसरा एक अंशु दीक्षांत हो गए, हाँ, तो और एक मैं, 3 लोग मिलकर इसे हैंडल करते हैं। और अभी क्या है कि अभी ऋषु दुबे दिल्ली में, वो भी HR में, HR डिपार्टमेंट से अभी जॉब कर रहे हैं दिल्ली में। अंशु दीक्षांत हो गए, वो पटना में है, तो हम लोग 3 लोग मिलकर इसे मैनेज कर रहे हैं। और अभी के समय में ये मतलब काफ़ी अच्छा जा रहा है और हम लोग आने वाले फ्यूचर में भी कुछ अच्छा करने का प्लानिंग भी कर चुके हैं। तो एक बधाइयाँ ज़रूर बनती है आपके लिए, चूँकि हाल ही में सिवान की खुशबू का यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है, ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि भविष्य में उस पर, जैसे अभी फेसबुक पे मानिए कि अगर 50% काम हुआ है, तो और 50% काम यूट्यूब के माध्यम से हो, इसके लिए हम आपको एडवांस में ही बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात हम जानना चाहेंगे, चूँकि कोई भी काम मनुष्य करते हैं तो उसमें बहुत सारी चैलेंजेज, बहुत सारी समस्याएँ आती है, तो ये काम करने में क्या क्या चैलेंजेज आपके रहे? देखिए, शुरू में जब मैंने इसे शुरू किया था तो मैंने नॉर्मली इसे शुरू किया था और सिवान ज़िले के जो प्लेस है, जगह है, जो इम्पोर्टेंट जगह है, तो मैंने उसके बारे में पता करके फ़ोटो के साथ इसे अपलोड कर देता था, लेकिन कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने इसे छोड़ दिया, करीब 6 महीना छोड़ दिया, 6 महीना कोई एक्टिविटी नहीं। फिर जब मैं फ़्लाइट के कुवैत के लिए फिर वहाँ गया, तो फिर मुझे एक दिन पेपर में कोई सिवान की लड़की थी जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थी कहीं से, वो मतलब गोल्ड मेडल जीती हुई थी अपना बिहार लेवल पे, तो फिर मैंने देखा तो कुछ एनर्जी फील हुआ, यार देखो यार गोल्ड मेडल लेके आई है। फिर मैंने फ़ोटो किसी तरह लिंक वगैरह से गूगल से किया, फ़ोटो निकाला, फिर आर्टिकल लिखा और डाल दिया। उसके बाद से जब मैंने पोस्ट पहला डाला तो करीब 3-4 लाइक आया। उसके बाद से फिर मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं, करते रहते हैं। तो जब भी टाइम मिलता था जॉब से तो मैं एक एक पोस्ट डाल देता था, तो 3-3 से कभी 10, फिर एक पोस्ट डाला तो उस पर 40। तो जैसे जैसे लाइक और हाँ लाइक बढ़ता गया, लोगों का कमेंट आता गया, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसके बाद से मेरे एक मैंने एक पोस्ट किया था, एक लड़की जो कि दरोगा बनी हुई थी, गोरिया कोठी की रहने वाली है, तो उस पर 1300 लाइक और करीब 1.5 लाख लोगों ने उसको रीच किया था, देखा था। तो उसके बाद से तो मतलब एक एनर्जी आ गई शरीर में, नहीं कुछ करना चाहिए। और मैं पार्ट टाइम में इसको करता रहता हूँ, जैसे मान लीजिए जॉब से आया तो कुछ आर्टिकल है बैलेंस उसको लिख लेना, गाड़ी में बैठा, बस में हमको 30 मिनट लगता है तो 30 मिनट के अंदर मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूँ, फिर रात को एडिटिंग करता हूँ, शेड्यूल बना के उसे पोस्ट कर देता हूँ, शेड्यूल में भी पोस्ट रखता हूँ, ऑटोमेटिक को पोस्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं इसे करने लगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारे सिवान में बहुत सारा ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और बहुत सारा नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको मालूम होगा। और मैंने देखा है, अभी तक देखते आया है कि अभी तक जितने भी हमारे सिवान में प्रतिभा है, और मैंने ढूंढा है, और मैं आपको बताऊँ कि मैंने 200+ प्रतिभाओं को ढूंढा है, ऐसे ऐसे प्रतिभा जिसके बारे में लोग जानते हैं तो बोलते हैं, अरे यार ये सिवान से हैं, अरे यार ये सिवान से हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता ये सिवान से हैं। कैसे यकीन होगा भाई, क्योंकि हमारे सिवान के जो यूट्यूब चैनल है न्यूज़ वाले, ये कभी दिखाते ही नहीं हैं कि भाई देखो हमारे सिवान में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि सिवान से बाहर रह रहे हैं और अपने सिवान का नाम मतलब नाम ऊंचा कर रहे हैं, अच्छा पद पे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ये हमारे सिवान के जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो कवर नहीं करता है, तो और नहीं करते। तो हम लोगों ने इसको हैंडल किया कि नहीं भाई, हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म होगा, हम यहाँ से हमारे सिवान में जितने भी प्रतिभाएँ छुपी है उन सबको ढूंढना है और सिवान की खुशबू पेज से, प्रोफाइल से, ग्रुप से इसको शेयर करना है और दिखाना है कि भाई देखो हमारे सिवान में ऐसे ऐसे प्रतिभा है जिन्हें कोई नहीं जानता है। और जानने के बाद एक प्राउड फील होता है कि भाई मेरे सिवान में ऐसे लोग हैं। तो मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, इकबाल जाफरी भैया का, जो कि मुस्तफ़ाबाद के रहने वाले हैं, वो रजनीकांत के साथ और अनिल कपूर के साथ, मतलब और बड़े बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, वो एक अच्छे खासे प्रोड्यूसर हैं। ठीक, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं कितने लोगों का नाम लूँ, अगर आप मतलब जानना चाहते हैं या जो भी मुझे देख रहा है वो जानना चाहते हैं तो मेरे पेज के ऊपर विजिट कीजिए, आपको बहुत प्राउड फील होगा कि हम सिवान से हैं और बिहार से हैं और हमारे सिवान में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो एक बार विजिट कीजिए और देखिए। मज़े की बात पता है आपको क्या है, मज़े की बात यह है कि मुख्य रूप से ये रहने वाले गोपालगंज के हैं और आज सिवान की खुशबू बिखेर रहे हैं, क्योंकि इनके गाँव के पास ही हम हैं,
नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैं रहने वाला गोपालगंज का हूँ, था मैं पहले सिवान जिला का। अच्छा। सिवान जिला में गोरिया कोठी प्रखंड और तरवारा थाना के बगल में एक सानी बसंतपुर गांव में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं, वहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन अभी क्या है कि काफ़ी साल से पापा मेरे यहीं हैं गोपालगंज जिला में, तो अब यहाँ भी हम लोग मतलब अपना सब कुछ कर लिए हैं, तो यहाँ भी मेरा घर है और सिवान में भी है। वैसे मैं सिवान का ही हूँ। चलिए अब अंतिम प्रश्न, चूँकि ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे हम, अंतिम प्रश्न आपसे बस पूछेंगे कि भविष्य में सिवान की खुशबू को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, फ्यूचर इन केस हम लोगों का ये प्लानिंग है कि आने वाले समय में हमें धरातल पे काम करना है। एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए हमने 200 प्लस प्रतिभाओं को ढूंढा है। ऐसे ऐसे प्रतिभा जो अमेरिका, लंदन और फलाना मतलब यूरोप से हैं सब, जो कि सिवान के रहने वाले। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो व्लादिमीर पुतिन जो है, रूस के राष्ट्रपति जो है ना, उनके राजनीतिक पार्टी में हमारे सिवान के एक विधायक हैं, हमारे सिवान जिला के एक्टिव विधायक, और आज के डेट में वो है। एक कितनी बड़ी प्राउड फील होता है इन सब बातों से, देखा था मैंने, ठीक है। लेकिन इसको कोई मीडिया कवर नहीं करता। ऐसे ऐसे बहुत लोग पड़ा हुआ है जिन्हें हमारे सिवान के लोग नहीं जानते हैं, और हम इस पेज के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भाई देखो हमारे सिवान में कैसे कैसे लोग है। सिवान की मीडिया तो आज तक यहीं बताई है कि वहाँ चोरी हुआ, वहाँ डकैती हुआ, वहाँ लूट लिया, किसी को लड़की लेके भाग गया, ये लेके फलाना छिलाना लिमका ढिमका, यही सब दिखाता है, ठीक है, जिससे हमें प्राउड फील नहीं होता है। लेकिन जब आप सिवान की खुशबू विजिट कीजिएगा, देखिए, तो आपको प्राउड फील होगा कि अरे यार ऐसे ऐसे सिवान में प्रतिभा छुपी हुई है जिससे हमारा सिवान हमारे इंडिया में गौरवान्वित तो महसूस कर रहा है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि काफ़ी सारे लोग प्रश्न करते हैं कि सिवान की खुशबू अपने नाम क्यों रख दिया, क्योंकि ये तो लड़की से नाम मिलता जुलता है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, हमारे सिवान में जितने भी प्रतिभा है ना, वो जब सिवान से बाहर जाकर अपने प्रतिभा को मतलब वो करती है, अपनी प्रतिभा बिखेरती है, तो उसमें से एक खुशबू निकलता है, वो खुशबू हमारे चारों दिशाओं में फैल जाता है, लोग उसे महसूस करते हैं, मालूम चलता है यार ये तो सिवान का रहने वाला है। तो इन्हीं सब के आधार पे हमने सिवान का नाम सिवान की खुशबू रख दिया, क्योंकि जब हमारे सिवान के प्रतिभा कहीं अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना खेल का, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें से एक खुशबू निकलती है, वो खुशबू जिसे हम महसूस करते हैं अरे यार कितना अच्छा आ रहा है, वो खुशबू निकलती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो हमने इसी के आधार पे सिवान का नाम सिवान की खुशबू रख दिया, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः हम आपको देते हैं आपके ये इतने उत्तम कार्य के लिए, और हम चाहते हैं कि भविष्य में और भी कुछ लोग इससे प्रेरित होकर कुछ ऐसा काम अपने आसपास के लोगों के लिए करें और कुछ जानकारी साझा करें, और हम बधाई देते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और मौका मिले कि आप कभी सिवान चलकर आएं, और एक समय बाद आज से 5 साल 10 साल बाद YouTube चैनल पे भी ऐसे ही लोगों की डॉक्यूमेंट्री बने, जो भी जिनके बारे में हम लिखते हैं उतनी सारी जानकारी उनके आसपास के लोगों के बारे में दिखाएं, उनका कैसे रहने का स्वभाव है, ढंग है, वो सब चीज़ भी दिखाएं, कि लोग उससे कुछ सीखें कि कितने नीचे तबके से भी उठकर आज IPS बने, UPSC क्लियर किए, और भी बहुत तरह का चीज़ है। तो चलिए, ये रही सिवान की खुशबू की टीम से, चूँकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज सिवान की खुशबू के टीम में 3 लोग हैं, लेकिन रिप्रेजेंट आज राजू जी कर रहे हैं एज ए फाउंडर। तो बहुत अच्छा लगा मिलकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया, थैंक यू।